तो जब कार्यकर्ता आते हैं तो उनको डराने और धमकाने का काम वर्तमान शासन सत्ता के दल पर आदरणीय विधायक जी करते हैं, जो मंदिर के नाम पर सरकार बनाती है और वो एक संत का ख्याल नहीं करती है, एक आश्रम का ख्याल नहीं करती है, मंदिर का ख्याल नहीं करती है, लेकिन ये सरकार बनाने के लिए मंदिर का सहारा लेते हैं। कैसे फर्जी विधायक जो है, विधायक बन करके इनके लड़के, इन्होंने दमनकारी काम किया है। मैं 11 दिन में इतना दमन झेल रहा हूँ कि ये 5 साल से जनता कैसे झेल रही होगी, मुझे इसका बखूबी पता चल गया है। मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर अपनी सरकार बना सकते हैं, किसी संत गुरु महापुरुष का ये सम्मान नहीं कर सकते हैं। इतने बड़े प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, क्योंकि हमारी बहन कुमारी मायावती जी का पहला स्लोगन होता है, तमाम संतों गुरुओं महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। अगर जो बसपा से पनियरा विधानसभा क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं, प्रभारी प्रत्याशी हैं दुर्गेश चौरसिया जी, जिनके बड़े भ्राता श्री इस समय बसपा से उम्मीदवार हैं पनियरा विधानसभा में, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि बाबा जी के पास आए थे मिलने के लिए, क्या हुआ, क्या आशंका मिली है, क्या बाबा जी इनके साथ चुनाव में रहेंगे या क्या आश्वासन मिला, किस प्रकार का आश्वासन मिला है। बहुत बहुत स्वागत नेताजी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री ओम प्रकाश चौरसिया, प्रभारी प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी पनियरा विधानसभा जी, जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और विगत कई दिनों से क्षेत्र में चल रहे हैं और जनता का भरपूर प्यार और सहयोग आशीर्वाद मिल रहा है, तरफा आशीर्वाद मिल रहा है। और बाबा जी साहब मिलने आए हैं, किस विश्वास के साथ आए हैं? नहीं, हाँ, जिस दिन बाबा जी का पर्चा दाखिला हुआ तो मैंने सुना था, तो मुझे खुशी हुई थी कि एक संत अगर सेवा करने आ रहा है तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन आज मुझे पता चला कि आपका नामांकन रद्द किया गया है तो मुझे बहुत दुख हुआ है कि एक संत के पास क्या गलती हो सकती है और उसके नामांकन को रद्द कर दिया जा रहा है। और अभी हमारी मुलाकात हुई आदरणीय गुरुजी से, तो गुरुजी की जो बातें थी, जो थी, वो वास्तव में जनता हित के लिए बहुत लाभकारी थी और जनता के हित के लेकर बाबा बहुत पीड़ा में है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। मैंने उनकी बातों को सुना और मैं आपको बता दूँ, संत तो संत होता है, वो कहीं किसी का नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं पनियरा विधानसभा इस क्षेत्र की जनता का जो दुख है वो बाबा जी को नहीं देखा जा रहा है। तो जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ जी संत होते हुए भी प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, चाहे जो भी है सत्ता में, तो बाबा जी का भी एक ध्येय था कि अगर वो ऐसा कुछ होता है तो सेवा में लगेंगे और क्षेत्र पनियरा क्षेत्र के लोगों की सेवा करेंगे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, गोरखपुर मठ के लोग और यहाँ के विधायक के साठगांठ से और महाराजगंज प्रशासन के साठगांठ से हमारे आदरणीय गुरु जी का जो है पर्चा खारिज कर दिया जाता है, उनका नामांकन खारिज कर दिया जाता है, यह पूर्णतः निंदनीय है जी। क्या बाबा जी आपके साथ हैं? नहीं, बाबा जी को मैंने साथ लेने के लिए मैं ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने बाबा जी से आया आशीर्वाद लिया और हमने अपनी बातें कही। बाबा, मैं आज बहुत दुखी हूँ कि एक संत का नामांकन रद्द हो गया और मैं तो जनरल प्रत्याशी हूँ और पिछले 15 दिनों से हम लोग क्षेत्र में चल रहे हैं और 11 दिनों के अंदर आदरणीय यहाँ के विधायक श्री ज्ञानेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, हमारे बड़े भाई श्री ओम प्रकाश चौरसिया पर 9 मुकदमे दर्ज करवाते हैं, 9-9 मुकदमे मात्र 11 दिन में दर्ज कराते हैं और पनियरा थाना की पुलिस 2-2 गाड़ी भर करके हमारे कैंप कार्यालय पर जा करके छापा मारती है और कहती है कि हमको सूचना है कि आप लोग कार्यालय से पैसा बांट रहे हैं, जो कि पूर्णतः निराधार है। और ये पूर्णतः निराधार, हमको भी किसी जगह से पता चला कि जो सूचना देते हैं वो आदरणीय विधायक जी के लड़के हैं और विधायक जी वो फ़ोन करते हैं कि इनके कार्यालय पर जाइए और देखिए, जैसे हमारे भी कार्यकर्ता आते हैं कार्यालय पर, जो भी कार्यालय होता है तो कार्यकर्ता आते हैं, तो जब कार्यकर्ता आते हैं तो उनको डराने और धमकाने का काम वर्तमान शासन सत्ता के दल पर आदरणीय विधायक जी करते हैं जी। हम बात करेंगे कि आज त्यागी बाबा जी के पास आप आए हैं तो किस आशा विश्वास के साथ आए, क्या लगता है कि बाबा जी आपका सहयोग करेंगे चुनाव में? बिल्कुल, मैं एक आशा और विश्वास लेकर आया था, लेकिन मैंने उनकी मन की पीड़ा सुनी तो कहीं ना कहीं वो क्षेत्र के हित के लिए, इस पनियरा विधानसभा के हित के लिए बात करते हैं और हमको बताएं कि उनके साथ कैसी कैसी इस आश्रम के प्रति लोगों ने सहयोग नहीं किया, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि लोग हैं उन्होंने सहयोग नहीं किया, लेकिन यहाँ की क्षेत्र की जनता और क्षेत्र के लोग बाबा जी का सहयोग किए। बाबा जी आज बहुत ही पीड़ा में हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है, मैं समझ सकता हूँ उनकी पीड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं ये दमनकारी सरकार जो मंदिर के नाम पर सरकार बनाती है और वो एक संत का ख्याल नहीं करती है, एक आश्रम का ख्याल नहीं करती है, मंदिर का ख्याल नहीं करती है,
लेकिन ये सरकार बनाने के लिए मंदिर का सहारा लेते हैं। क्या लगता है आपके साथ बाबा जी को आना चाहिए? अगर बाबा जी का आशीर्वाद मिलेगा तो हम बिल्कुल बाबा जी का आशीर्वाद लेने आए हैं। अगर हमारी विचार हमारी बातें अगर बाबा जी को ऐसा है कि बाबा जी हमको आशीर्वाद देंगे तो मैं बाबा जी का आशीर्वाद सराखों पे लेकर सबसे आगे चलने का काम करूंगा। आपके साथ आने के लिए बाबा जी ने किसी शर्त को रखा है क्या? नहीं, हमको कोई शर्त नहीं। बाबा जी ने कहा आप अपना कर्म करिए, फल की इच्छा न करिए, फल देने वाला ऊपर है, क्योंकि एक संत की बाड़ी यही हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती। जैसा कि मैं जानता हूँ, मैंने सुना है, आज तक त्यागी जी महाराज आज तक किसी से एक रुपये की मांग कभी नहीं की है। जो मठ में मंदिर में अपने हिसाब से दे दिया उसका स्वागत है, जो नहीं दिया उसका भरपूर स्वागत है। आदरणीय त्यागी जी महाराज आज तक किसी से एक रुपये मांगने का, किसी से शर्त रखने का काम नहीं किया। उन्होंने सदा लोगों को आशीर्वाद देने का काम किया है और आशीर्वाद देने का काम करने की बात की। पनियारा विधानसभा की जनता से अपने बड़े भाई ओम प्रकाश चौरसिया जी के लिए क्या निवेदन करना चाहते हैं? मैं बस पनियारा विधानसभा की जनता से बस इतना ही कहना चाहता हूँ, विनम्र हाथ जोड़ के कहता हूँ कि ये जनता देख लें कि ये कैसे फर्जी विधायक जो है, ये विधायक बन करके इनके लड़के, इन्होंने दमनकारी काम किया है। मैं 11 दिन में इतना दमन झेल रहा हूँ तो ये 5 साल से जनता कैसे झेल रही होगी, मुझे इसका बखूबी पता चल गया है। यह जनता पूर्ण रूप से जान चुकी है कि यहाँ से किसी न किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के विधायक को यहाँ से उखाड़ फेंकना है और एक काम करने वाला जनप्रतिनिधि को लाना है। जैसा कि मेरे बड़े भाई ओम प्रकाश चौरसिया 2003 में छात्र संघ से अध्यक्ष रहे और छात्र संघ का संघर्ष करते हुए क्षेत्र में भी उन्होंने जिला पंचायत सदस्य रहने का काम किया, उन्हें बखूबी पता है कि जनता के बीच में क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन जो उड़ करके बैठ गया और सालों साल तक विधायक की कुर्सी रखा, उसे संतों गुरुओं महापुरुषों का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, संतों महापुरुषों गुरुओं का बिल्कुल सम्मान कर ही नहीं सकता है। सिर्फ ये लोग मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर अपनी सरकार बना सकते हैं, किसी संत गुरु महापुरुष का ये सम्मान नहीं कर सकते हैं। ये भी विपक्ष पार्टी का कहना है कि बाहरी हटाओ और विधानसभा बचाओ। नहीं, बाहरी की बात कर दूं तो हमारे बड़े भाई आदरणीय ओम प्रकाश चौरसिया, जब वो बचपन में या हमारे नाना जिंदा थे तो हमारा ननिहाल पनियरा में है, तो नाना के वहीं रहकर पढ़ते लिखते थे। लेकिन मामा जी, नाना जी के एक्सपायर हो जाने के बाद यहाँ पर हम लोग का मामा जी लोग बाहर रहते थे, तो हमारा पालन पोषण के लिए, तो भैया कक्षा 6 पढ़ने के बाद 7 में वो चले गए अपने गोरखपुर और वहाँ से उन्होंने पढ़ाई किया और पनियरा में उनका हमेशा आना जाना रहा। आज भी पनियरा लोकल पनियरा से कम 20 लोग ऐसे हैं जिनके हमारे वहाँ से नेता हकारी है। भाई साहब हमारे जब छात्र संघ अध्यक्ष थे तो उनके 200 साथी जो हैं, जो पनियरा विधानसभा से अलग अलग जगहों से रहने वाले थे, तो 2003 से लेकर आज तक उनका जुड़ाव रहा, उनके वहाँ कोई काज परोज पड़ा तो आना जाना, हम लोग का भी आना जाना रहा, इन लोग का भी आना जाना रहा। तो अगर ये ऐसा कहते हैं बाहरी हैं तो कौन यहाँ का है? ज्ञानेंद्र सिंह जी यहाँ के हैं, सपा प्रत्याशी यहाँ के हैं, मेरा तो यहाँ ननिहाल है, मैं यहीं के खून से पैदा होकर के गोरखपुर गया हूँ। लेकिन मुझे बताएं भाजपा प्रत्याशी का यहाँ क्या है, सपा प्रत्याशी का यहाँ पर क्या है? मैं तो यहीं के खून से पैदा होकर के गोरखपुर गया हूँ। आपकी लड़ाई किस पार्टी से? मेरी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है, मैं जनता के आशीर्वाद से, पनियरा विधानसभा की समस्त सम्मानित जनता के आशीर्वाद से मैं एक तरफा आगे हूँ, कोई मेरे आगे पीछे लड़ाई में नहीं है। जनता का प्यार मिल रहा है, जनता आशीर्वाद दे रही है। सीट की बातें मैं क्या करूं, पनीरा महाराजगंज विधानसभा की 5 की 5 सीट हम जीत करके विधानसभा जा रहे हैं और आदरणीय बहन कुमारी मायावती इतने बड़े प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, क्योंकि हमारी बहन कुमारी मायावती जी का पहला स्लोगन होता है, तमाम संतों गुरुओं महापुरुषों के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करती हूँ। अगर वो संतों गुरुओं का अगर ख्याल करती हैं तो संत गुरु भी उनके साथ है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ अन्य विपक्षी पार्टियों से, इतनी बार वो अपने स्लोगन में संतों गुरुओं का नाम लेते हैं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर की बात करते हैं, लेकिन कोई संतों गुरुओं का सम्मान करना नहीं जानता है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी सत्ता में आती हैं, चाहे आज भी सबसे पहला उनका स्लोगन होता है, मैं अपने देश में जन्मे तमाम संतों गुरुओं महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, ये स्लोगन हमारी बहन कुमारी मायावती जी का। इसके दम पर भारत के सबसे बड़े प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बनेंगी। सभी संतों गुरुओं धर्मों सारे लोगों का सम्मान होगा, सारे लोग भाईचारा के साथ रहेंगे और आपस में प्रेम बांटेंगे, विकास की गंगा बहेगी।